आज बिहार के मजदूरों की ये हालत है कि ना तो एक समय था जबकि सरकार मजदूरों के बारे में या फिर मजदूर के मजदूरी के बारे में सोचता था, और बिहार के मजदूर हिंदुस्तान के सब जिले में जाकर, हिंदुस्तान के सभी स्टेट में जाकर कितना रिच भरी जिंदगी को जीकर लोग पैसा कमाते हैं। कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई ठेला चलाते हैं, कोई खुंचा बेचते हैं, कोई घर की मजदूरी करते हैं, कोई चावल बेचते हैं, कोई मकान बनाते हैं, न जाने किस किस चीज में आज हिंदुस्तान के खुशहाली है या हिंदुस्तान में इतनी इमारत और इतने अच्छे काम हुए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वह बिहार की मजदूर का ही योगदान है जो आज बंबई, दिल्ली, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन टाउन या किसी भी बड़े बड़े शहर में आज यह स्थिति पैदा हुआ है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते मजदूरों की जो दुर्दशा है, ना तो वो घर आने के काबिल है अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़कर, ना खाने की उसकी व्यवस्था, ना सरकार इस पर कभी कुछ सोचा है। तो मेरा कहना है कि सरकार ने जो मजदूरों के दुर्दशा, जो कष्ट पीड़ा, जो हृदय विदारक घटना हो रहा, सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। जो भी आज भी मजदूर वापस बिहार लौट रहे हैं, ना उसके रहने की सही व्यवस्था हो रही, ना उसको खाने की अच्छा व्यवस्था हो रहा, ना बेचारे को प्रॉपर जगह पर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था हो रहा। लोग यूं पैदल चलकर ना कितना कष्ट से पैर में छाले पड़ गए हैं, सारे चीज कष्ट हो रहे हैं, नहीं खाना मिल रहा, ना उसको प्रॉपर कुछ देख, यहाँ तक उसके घर के लोग भी उसको देखने के लिए आज पसंद नहीं करते। आज यह मजदूर हिंदुस्तान में घूमकर अपने घर परिवार के सुख शांति को छोड़कर मेहनत कर बल पर बच्चे को कैसे भोजन मिले, और उसके आज भी बिहार की अगर खुशहाली है तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ बिहार के मजदूरों के अथक प्रयास, श्रम और मेहनत के बल पर आज बिहार अपने स्वावलंबी पर बिहार के मजदूर अपने परिवार को सही ढंग से लेकर चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार सबसे पहले कि जो मजदूर भाई आए हैं उसको रहने की प्रॉपर व्यवस्था हो, उसको खाने की व्यवस्था हो, उसकी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था हो, और उसको अप्रोप्रिएट उसके घर तक पहुँचाने की भी व्यवस्था हो। और इसके बाद दो प्रॉब्लम आता है। एक तत्कालिक प्रॉब्लम होता है कि घर में जाके खाएगा क्या, पहले उसको कम से कम 10,000 टका दे ताकि वो घर और परिवार के साथ मिलकर चले। इसके बाद उसके काम का सुनियोजित करे, आखिर वो करेगा कमाएगा नहीं तो फिर खाएगा क्या। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, और सरकार तो इस पर कुछ करने नहीं, सरकार केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, केवल लूट घसूट कर रहे हैं, कोरोना के नाम पर मजदूरों भाइयों के नाम पर ये लूट मचा रहे हैं। ये वेलकम किट्स जो 850 का था वो किसी को उपलब्ध नहीं हो रहा। जाइए कोरोना सेंटर में, रहने का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी जब मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है तो डीएम साहब पहले कोरोना सेंटर के सारे लोगों को पूर्ण रूप से खिला पिला के अपडेट करता है और उसको कन्विंस करता है कि अगर पूछेगा तो बोलना, साथ सब कुछ व्यवस्था है। हम समझते हैं 2-4-5 क्वारंटाइन सेंटर जो उसके देख रेख में, बाकी बिहार में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, हम कहीं भी खाना नहीं मिल पा रहा। आज कोसी की घटना को दीजिए, कल नौगछिया की घटना को देखिए, मधेपुरा सहरसा की घटना देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना देखिए। अगर लोग मजदूरों को सही भोजन मिलता
कम से कम भी बोलता। मैं समझता हूँ कि इस टाइप का आंदोलन, इस टाइप का लोग विरोध नहीं करता। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बिहारी मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए और उसको उपयुक्त खाने पीने रहने का और घर तक पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए ताकि वह सही ढंग से घर तक पहुंच जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सरकार पूर्ण रूपेण लूट घसूट कर रहा है। उनके सारे ऑफिसर, डीएम, एसपी, वीडियो, सीओ सारे लूट घसूट कर रहे हैं। बस कोरोना एक खाना पूर्ति है, भगवान भरोसे बिहारी मजदूर चल रहा है। मैं